वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बजट स्मार्ट वॉच ब्रांड अमेज़फिट एक नई स्मार्ट वॉच ऐड करने वाला है अपनी GTR सीरीज में। कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि अक्टूबर 12 को चाइना में लॉन्च होगी अमेज़फिट GTR 2 की सक्सेसर अमेज़फिट GTR 3। कंपनी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें GTR 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, साथ ही साथ ये भी बताया था कि एक नई स्मार्ट वॉच GTS सीरीज में भी ऐड की जाएगी विद द नेम अमेज़फिट GTS 3। तो आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के बारे में बताऊंगा जो भी इन्फॉर्मेशन लीक्स के थ्रू या फिर कंपनी की तरफ से ऑफिशियली मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, और सबसे पहले मैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की लॉन्च की बात करूंगा। दोनों स्मार्ट वॉचेस को सबसे पहले चाइना में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इंडियन फैंस के लिए भी एक अच्छी न्यूज है कि चाइना के बाद इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन लॉन्च डेट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ना ही लीक्स के थ्रू। इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की एग्जैक्ट लॉन्च डेट कुछ दिन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन आप GTR 3 और GTS 3 दोनों की जो इंटरनल्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर होगा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, लेकिन डिजाइन काफी हद तक डिफरेंट होगा। अगर हम प्रीवियस जनरेशंस की भी बात करें तो Amazfit GTR 2 और GTS 2 दोनों के सिमिलर स्पेसिफिकेशंस थे, लेकिन डिजाइन अलग अलग था। Amazfit GTR 2 में सर्कुलर केसिंग थी, यानी सर्कुलर डायल, वहीं Amazfit GTS 2 में स्क्वायर डायल था चारों साइड कर्व्स के साथ। लॉन्च डेट और डिजाइन के बाद अगर ऑफिशियल लुक की बात करूं तो अभी तक इन दोनों स्मार्ट वॉचेस का कोई भी रेंडर या फिर इमेज लीक नहीं हुई है, ना ही कोई न्यूज इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के स्पेसिफिकेशंस को लेकर अभी तक आई है। लेकिन आप इतना जरूर मानकर चलिए कि प्रीवियस जनरेशन से बेटर स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे और डिजाइन में भी मेजर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। GTR 2 में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस दिए थे Amazfit ने। इस स्मार्ट वॉच में 1.39 इंच की AMOLED डिस्प्ले थी विद 450 nits of peak brightness and 100% NTSC color saturation. वहीं GTS 2 में थोड़ी सी bigger display थी, 1.39 inch की display की जगह पर 1.65 inch AMOLED display with a resolution of 348:442. दोनों ही smart watches में multiple health and fitness sensors दिए थे, blood oxygen level measure करने के लिए SpO2 sensor था, sleep tracking का भी option, heart rate tracking and 90 sports modes. Battery wise देखूं तो दोनों स्मार्ट वॉचेस में ज्यादा बेटर स्मार्ट वॉच थी GTR 2, जिसमें बैटरी दी गई थी 471 mAh की, वहीं GTS 2 में 246 mAh। एंड्रॉइड और iOS दोनों के साथ स्मार्ट वॉचेस कंपैटिबल थी, iOS वर्जन 10 एंड अबव, एंड्रॉइड वर्जन 5 एंड अबव। प्राइस दोनों स्मार्ट वॉचेस की सेम थी, 12,999 रुपीज, लेकिन GTR 2 का क्लासिक एडिशन था 13,499 रुपीज में। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि अपकमिंग स्मार्ट वॉचेस में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, लेकिन प्राइस हो सकता है कि इन दोनों स्मार्ट वॉचेस से भी कम हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपको बता दी गई है, जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी आपको वो भी बता दी जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय टिल देन।